वीडियो कल से सुर्खियों में है। वीडियो में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह युवा पहलवान को बैक टू बैक दो थप्पड़ रसीद करते हुए दिख रहे हैं। संघ के अध्यक्ष के तौर पर ब्रजभूषण सिंह का ये रवैया देखकर लोग हैरान हैं। लोगों का कहना है कि ब्रजभूषण सिंह भारतीय पहलवानी के अगवा हैं। इसके बावजूद वो एक युवा पहलवान को बीच महफिल मंच पर ताबड़तोड़ थप्पड़ मार रहे हैं। फिलहाल ये बात तो वीडियो में कैद सीन की थी, लेकिन ये सीन कैसे बना और ऐसा क्या हुआ कि ब्रजभूषण सिंह युवा पहलवान को सोफे से उठकर मारने लगे, उसके पीछे की कहानी भी जान लीजिए। दरअसल मंच पर कुश्ती का ये वीडियो है झारखंड की राजधानी रांची का, जहां मेगा स्पोर्ट्स स्टेडियम में अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पहुंचे थे। ब्रजभूषण शरण सिंह मंच पर बैठे थे, तभी उत्तर प्रदेश का एक पहलवान उनसे अपने डिस्क्वालिफिकेशन पर बात करने के लिए मंच पर चढ़ गया। इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि ब्रजभूषण सिंह ने गुस्से से लाल होकर पहलवान को दो थप्पड़ जड़ दिए। ब्रजभूषण का गुस्सा देखकर मंच पर मौजूद अधिकारियों ने पहलवान को मंच से नीचे उतार दिया। इस पूरे वाक्य पर ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से सफाई देते हुए झारखंड के कुश्ती संघ अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने बताया कि अंडर 15 की कुश्ती चल रही थी, जिसमें युवा पहलवान लड़ना चाहता था, लेकिन जब उसके कागज देखे गए तो उसकी उम्र 15 से ज्यादा निकली, इसीलिए उसे कुश्ती नहीं लड़ने के लिए इजाजत नहीं दी गई। हालांकि इसके बावजूद वो मंच पर चढ़ गया और राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष से एक बार कुश्ती लड़ने की जिद करता रहा, जिससे तंग आकर ब्रजभूषण सिंह अपना आपा खो बैठे और उसे थप्पड़ मार दिया। सोशल मीडिया पर ब्रजभूषण सिंह का काफी विरोध हो रहा है। लोगों का कहना है कि हो सकता है कि युवा पहलवान गलत हो, लेकिन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक सांसद होने के बावजूद जो उनका रवैया है वो शर्मनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।